एक घंटा आराम करते हैं। रीतिया मोला जो गनी लगाए जो। एंड थैंक यू सो मच दादी। कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी को और एक नई जर्नी है भाई। तो आज की जर्नी होने वाली है मध्य प्रदेश की ओर। ये कुछ नजारा भाई सुबह सुबह का, काफी प्यारा लग रहा है। इस वक्त हम झारखंड में ट्रेवल कर रहे हैं, अभी पलामू डिस्ट्रिक्ट में है और थोड़ी देर बाद हम गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में होंगे। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट होते हुए सीधे हम छत्तीसगढ़ लैंड करेंगे। चलो सफर एंजॉय करते हैं। आप भाई गाड़ी एक तो रुक गई है, बात करते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। समझ में आ जाए हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक झारखंड का खूबसूरत ज़िला गढ़वा में हम इंटर कर चुके हैं। कुछ नज़ारा इस प्रकार से है, वैसे कुछ खास लग नहीं रहा जिस प्रकार से झारखंड के बड़े बड़े ज़िले रांची धनबाद और टाटा जमशेदपुर लगता है, उस प्रकार से कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन है बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है। सफ़र के दौरान बहुत सारी चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, उनमें से हम आए हुए हैं ताता पानी महादेव के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और ये जगह है बलरामपुर। अभी करीबन हमें 180 किलोमीटर का लिफ्ट मिला, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी लिफ्ट है ये, और यहाँ तो बहुत मुश्किल होता है भाई लिफ्ट लेने में। फ़िलहाल हम दिखाते हैं, ये रहे हमारे यार। सच में अभी जन्नत में आए हुए हैं, एक मस्त सा गांव है, इतना सुंदर गांव है कि क्या बोले। ये कुछ नज़ारा है गांव का, ऐसे लग रहा है ना अपनापन सा लग रहा है इस गांव में भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें तो आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं खेत में और अभी हम जल पटा रहे हैं। तो अभी भी छत्तीसगढ़ में भाई पुराने विधि से क्यारी बाय क्यारी करके अभी भी जल पटाते हैं अपने फसल पे, तो ये भी अच्छा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब कुछ अच्छा। हाँ हाँ
बंद गोभी लगा रहे, पत्ता गोभी, यहाँ पे हमारे भाई साहब इस गांव में इस बस्ती में पत्ता गोभी लगा रहे हैं, और साथ में हमारे कटिंदा सरायपराई इस बस्ती का नाम है, और साथ में हमारे दीपक भाई भी इन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक भाई, कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पत्ता गोभी लगाने का, और मेरी दिली ख्वाहिश हमेशा रहती है कि खुद से उगाने का, खुद से ही खाने का, सिंपल। लाला, हर कोई अपन नहीं होते, जो होते सो ये होते हैं। केने मिढ़ा कौन होते हैं? ये अपने नए भैया ट्रेवल से आ रहे थे, साथ में मिले, बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, अपने भैया लोग से, बड़े भैया लोग से मिलके खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हुई। साथ में आज बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो इस खुशी के मौके पे अपन लोग एक शब्द मैं अपने मुंह से बोलना चाहता हूँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक, मरते दम में, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म में, सात जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक। सूरज की नई रोशनी हमें एक नई जगह लेके आ गई है, एक छत्तीसगढ़ का खूबसूरत गांव चंद्रमेड़ा में, और हम लोग रुके हुए ये खूबसूरत सा घर में देख सकते हैं। ये घर के आंगन में खूबसूरत सा बगिया है, यहाँ पे आलू लगाए हुए हैं, उधर लहसुन लगाए हुए हैं, इधर भी आलू है, और सारा सिंचाई वहाँ पे जो कुआँ है ना उस पे होता है, और वहाँ पे देख सकते हैं दादी काम कर रही है खेतों में। नमस्ते, तो हम अभी छत्तीसगढ़ में हैं, और जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे दादी है, और ये गांव है चंद्रमेड़ा, और इन्हीं के घर में रुके हुए थे। एंड थैंक यू सो मच दादी। नेचर की साउंड से आपको पता ही चल रहा होगा कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत नदी है, और ये लोकेशन है भाई सारासोर पे, और यहाँ पे एक मंदिर भी है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ का जो व्यू है ना, मतलब इतना खूबसूरत है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और यहाँ का नज़ारा मुझे वो बोलते मेरा मन को भाया, ये वो नज़ारा है। ये पूरा घना जंगल है, घना जंगल होके वहाँ पे मंदिर के लिए रास्ता जाता है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे विराजमान है भोलेनाथ, और सामने जो रिवर है ये महान नदी, काफ़ी शानदार और प्यारा अद्भुत, एकदम नेचर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे भाई। और इतना गहरा ना कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता भाई, एकदम डैम टाइप से लग रहा है ऑटोमेटिक, ये नेचर का देन है ना, उधर से नदी बह के आ रही है यहाँ पे, मतलब नेचुरल डैम बना हुआ है आप कह सकते हैं ये।
स्टार्ट। जोड़ के पीरितिया मोला जोगनी लगाए, जोगनी गे मोहनी लगाए देहाना, जोगनी गे मोहनी लगाए देहाना। जोड़ के पीरितिया मोला जोगन लगाए, जोगनी गे मोहनी लगाए देहाना, जोगनी गे मोहनी लगाए देहाना। तो फिर से सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, हम निकल पड़ते हैं अमरकंटक के लिए। करीबन 200 किलोमीटर और बचा हुआ है और कुछ इस प्रकार से सड़क है। तो सड़क तो भाई काफ़ी सुंदर है, न्यू बनाया इस टाइप से लग रहा है। और यहाँ से लगभग आज पहुँचना मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि सड़क काफ़ी सन्नाटा है, रास्ते में कम यात्री चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, गाड़ी भी कम चल रही है, तो पता नहीं कब पहुंच पाएंगे। कोशिश करते हैं। फाइनली गाइस, बहुत बड़ी लिफ्ट मिली है हमें, करीबन पेंड्रा की मिली, वो भी 165 किलोमीटर की अराउंड। और यहां से और 30 किलोमीटर का सफ़र रहेगा अमरकंटक। फिलहाल आज तो हम लोग पेंड्रा में ही रुकेंगे क्योंकि रात हो जाएगी, अभी 4:30 बजने के हो और 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा बस में सफ़र करेंगे तो, क्योंकि 30 का एवरेज से चलेगा तो 2 घंटा लग ही जाएगा। फिलहाल ये है कुछ नज़ारा यहाँ का। एंड कुछ कहना चाहता है तो बोल रहा है बस में लिफ्ट मत लेना बोलता है। लिफ्ट मिली है बस में, हालांकि लिफ्ट लेने में हमारे जो दीपक भाई है वो बहुत एक्सपर्ट है, मैं भी सीख रहा हूँ इनसे कि कैसे लिफ्ट ली जाती है। लेकिन बढ़िया महाराज जी, लेकिन हम कोशिश करते कि अवॉइड करते हैं बस में, लेकिन अभी बस में मिलेंगे तो क्या करते थे, मना तो नहीं कर सकते। पहुँचते हैं हमारे सफ़र के दो राही, पहुँचे हैं मेंढवा। अपना जाने इस अंधेरी में कहाँ भटकेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। चुनौती फिर और सामने आ गई है क्योंकि अंधेरी रात है और हमें एक अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी क्योंकि हमारे पास टेंट वगैरह कुछ है नहीं। और ठंडी मौसम में अपने आप को सर्वाइव करना, वो भी रात के टाइम, एक अपने आप में एक चुनौती है। है ना, प्रयास कभी भी विफल नहीं जाता, हम कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई एक अच्छा सा जगह मिल जाए। हम आए हुए थे इस रेस्टोरेंट पे और हमें भाई साहब मिल गए, उनसे हम परमिशन लिए और इन्होंने जो हमारी खातिरदारी और सेवा पानी की उसका तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भाई आपका। हेलो एवरीवन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं और मैं खुद एक घुमक्कड़ हूँ तो देखता हूँ, इनमें ही अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ अभी। कई बार ऐसा होता है ना कि जब लोगों को पता नहीं होता तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है। हम यहाँ पहुँचे, हमने बस एक ही वर्ड यूज़ किया कि हम लोग ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद भाई साहब ने ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, पहले बोला आप बैठिए हम आपकी अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद उन्होंने बात की। तो ये काफ़ी मज़ा आया आपके साथ मिलकर, काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने खाना भी खाया, बहुत मतलब तरीके से खाया, मज़ा आ गया खा के, वो मैं आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और अभी इन्होंने रहने का भी अरेंजमेंट कर दिया। अभी हम शाम में सोचा था कि शायद मंदिर पे रुकना पड़ेगा, हम लोगों के पास में इस वक्त टेंट भी नहीं है तो थोड़ा सा ठंड भी यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन सर ने हमें यहाँ पे रहने के लिए प्रबंध करवा दिया। शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप सब लोगों से मिलकर। कल रात भैया के थ्रू ये वाला रूम हमें प्रोवाइड किया गया था, ये कुछ रूम था हमारा, यहीं पे हमने रात्रि को विश्राम किया था। अभी सुबह हो चुका है तो नहा धोकर फ्रेश होके हम अमरकंटक के लिए निकल रहे हैं। अमरकंटक 36 किलोमीटर है, आयु हम लोग 1 बजे से पहले पहुंच जाए तो चलते हैं, सफ़र की शुरुआत फिर से करते हैं। और बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, काफ़ी शानदार है। सुबह सुबह का नज़ारा ना सबसे बेस्ट होता है। और हम लोग रुके हुए थे ये होटल आर के प्लेस, ये था भाई, वो भी भैया के थ्रू ही था। एंड इस रास्ते से हम जाएंगे अमरकंटक। एक घंटा आराम करते हैं।
प्रकृति की गोद में कुछ देर विश्राम करने के बाद हम निकल पड़े हैं अमरकंटक के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि माँ नर्मदा कुछ ही दूरी पे है, करीबन 7 किलोमीटर के दूर पे है। फाइनली गाइस, हमारी मंजिल समाप्त हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं अमरकंटक। ये जो पीछे देख रहे हैं ये अमरकंटक का बस स्टेशन है, यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह हैं, और सीधे अभी हम लोग जाएंगे एक आश्रम की ओर, जो कि कल रात मेंढवा करके जो जगह थी वहाँ पे भैया ने जो हमें हेल्प किए उन्होंने ही इस आश्रम में बात कर दिया है, तो हम लोग उस आश्रम में जाएंगे। फिलहाल इधर का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। आज के विश्राम के लिए आश्रम की ओर से कुछ ऐसा रूम प्रोवाइड किया गया है, तो हमें आश्रम के अंदर रूम मिल गया है भैया के थ्रू, रूम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और आश्रम के अंदर का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। काफ़ी अद्भुत सा मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत है, हमारे महादेव इधर, और ये देख सकते हैं काफ़ी क्लीन साफ सुथरा एकदम बहुत अच्छे से। जो हमारी इच्छा थी अमरकंटक आके माँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देखने की, वो मेरी पूर्ण हो गई है। आप देख सकते हैं ये है उसका उद्गम स्थल, यहीं से माँ नर्मदा सीधे के सीधे एकदम अरब सागर में मिल जाती है, तो उसका पूरा परिक्रमा हम करने वाले हैं। एंड भाई ऐसा कुछ दृश्य है, और ये यात्रा भी यही समाप्त करते हैं। नर्मदे हर।